बॉलीवुड हमेशा से रहा है अ स्टार मेकर और ऑफ लेट कई फिल्म मेकर्स कास्ट कर रहे हैं रैंक न्यू कमर्स को सो इज दिस न्यू ट्रेंड रिस्की और रिवॉर्डिंग इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं द लेटेस्ट सेंसेशन ऑन द ब्लॉक है नाज मोदीवाला फ्रॉम रागिनी और फिल्म प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर लव रंजन वेलकम टू दिस शो गाइज थैंक यू जब आपने नए फेसेस लिए अपनी मूवी के लिए तो आपको लगा इट मेक्स मोर सेंस बिकॉज बॉलीवुड इज वेरी स्टार ड्रिवन यू नो नहींते तो तो मतलब नहीं मैं एक फिल्म बना रहा था जिसमें मुझे चाहिए थे बाईस तेईस साल के लोग और अनफॉर्चुनेटली uh, इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें तो बाईस तेईस साल के कैरेक्टर्स प्ले करने वाले ज्यादा स्टार्स हैं भी नहीं इस इंडस्ट्री में स्टार्स का क्या होता है उनका ऑलरेडी तो इन रागिनी वी नीडेड अ वेरी रियल कपल अ वेरी रियल केमिस्ट्री द फिल्म इज़ वेरी रियल तो आई थिंक राज और मेरा ऐसा कोई बैगेज नहीं है कोई इमेज नहीं है तो दैट्स वाई आई थिंक रागिनी एटलीस्ट रिक्वायर्ड कम्प्लीटली फ्रेश पर्सपेक्टिव, कम्प्लीटली फ्रेश फेसेस दूसरा क्या होता है कि आप वो बना पाते हो जो आप एक्चुअली बनाना चाहते हो लेकिन कमर्शियली कितना अवैबल होता है आजकल की ऑडियंसिस बहुत इंटेलिजेंट हो गई है इस्पेली मेट्रो की जो ऑडियंसिस है दे आर वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमा इंटरनेशनल सिनेमा तो उनको वही घिसी पिटी की कहानियाँ नहीं देखनी है उनको कुछ नया देखना है और न्यू uh, कमर्स के साथ जो फिल्में बनती हैं वो जनरली छोटी फिल्में होती है पर कॉन्टेंट बहुत ही स्ट्रॉग होता है तो आई थिंक दैट्स वाई कमर्शियली फिल्म लाइक रागनी एम एम एस आर डूंग की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लेक्स में द टिकट रेट इज सो हाई Then I I am thinking faces you know why would would somebody want to to shell out that kind of money? Because it's a a good film. film And multiplex rate even more so I would not go to watch a film जो मुझे पता है किसी और फिल्म की कॉपी है ओपनिंग का तो फर्क पड़ता है, hmm. का परता परता है? काफी ओपनिंग और... का फर्क इस तरह से पड़ता है भाई आप अगर सलमान की फिल्म है अक्षय की फिल्म है तो जो आप मल्टीप्लेक्स आपको बारह शो चौदह शो देगा दिन के वो एक रागिनी एम एम एस जैसी फिल्म के लिए या प्यार का पंचनामा जैसी फिल्म के लिए प्रॉब्ली शो देगा यू नो आठ शो देगा तो उस बात का फर्क पड़ेगा लेकिन आप अगर अधिकतर देखें भी तो जो ये नई फिल्में होती हैं नए के साथ वो इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करती हैं कि रिपोर्ट्स क्या हैं आप बड़ी फिल्मों का देखें बड़ी फिल्में मंडे को ड्रॉप लेती हैं कि ओपनिंग बड़ी लगती है लेकिन फिर आप ये भी सोचिए कि बड़ी फिल्मों की जो कॉस्ट होती है

मेरा सिंपल लॉजिक था सेट पे जाने से पहले अपने जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर लो आई थिंक एज एन एक्टर बिकॉज अगर आपको कोई कहे कि आई एम नॉट सेइंग ही इज डूइंग इट और एनीबॉडी आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स बट मैंने सुना है कि कुछ डायरेक्टर्स कहते हैं ये लाइन तुम यहाँ देखकर बोलो फिर यहाँ चार ब्लिंक दो और फिर वहाँ देखो तो मगर अगर ऐसा हुआ तो बापरे आप कोई भी कोई भी एक्टिंग कर सकता है अगर आप खुद का कुछ नहीं दे सकते तो आप एक्टर क्यों कोई रोबोट भी ये काम कर सकता है क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिक्टेटर की तरह होते नहीं मैंने जो कहा वही कहना है या ये ही लाइन बोलनी है तो वो डिस्कशन का रूम होना चाहिए टॉकिंग अबाउट वर्किंग विद यू कमर्स एक बहुत बड़ा इशू आता है सेंसरशिप का बिकॉज अगर आप एक बड़े स्टार के साथ नहीं काम कर रहे हो तो उसका क्लाउड भी आपके साथ काम नहीं कर रहा है सेंसर इज कैंसर टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं तो साफ बोलता हूँ सेंसर एक सरकारी दफ्तर है और सेंसर वो वाला सरकारी दफ्तर है जहाँ आज भी आपको वहाँ पे ऑफिसर से मिलने के लिए पीएन को पचास सौ रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है मेरे साथ तो पर्सनल वेंडेटा हो गया था कि ऐसी हालत हो गई थी कि ट्रेलर जा रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्या जल्दी है ट्रेलर पास होने की फिल्म तो डिले होनी है थोड़ा पर्सनल हो गया था एक कमेटी मेबर ने मेरे को ये बोल दिया था कि हमने आपको डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया है डिसीजन सुनाने के लिए बुलाया है उन्होंने मुझे कभी कोई कट्स नहीं बताया यू के लिए सब ये बोलते थे कि ए थीम थीम इसका एडल्ट है थीम क्या है लिव इन रिलेशनशिप सलाम नमस्ते क्या थी yeah. दीवार क्या थी आप यशराज होते हो आपको बैक कर रहा होता है यशराज तो आपका स्लटी सावित्री पास हो जाता है yeah. लव का दी एंड में फ्रेज है स्लटी सावित्री पास हुआ है ठीक है आपको मेरी फिल्म में मूत शब्द से दिक्कत है हिंदी में मूत उर्दू में पेशाब संस्कृत में मूत्र के अलावा शब्द ढूंढ के दिखाओ मुझे ठीक है आप आमिर खान होते हो आपका बोस डी के बोस डी के बोस डी के बोज डी के पास होता है नो <laughs> तो डेफिनेटली तो है वो बिल्कुल सरकारी दफ्तर वाला हिसाब है कि जहां आप पैसे वाले हो आपके पास पावर है तो आपका सारा काम होता है आप गरीब आदमी हो तो आपकी सुनवाई नहीं है आप चक्कर काट काट के थक जाओ yeah. आपको फोन कनेक्शन नहीं मिलेगा सो ऑन दी अदर हैंड आपका यू हैव रियली बिग प्रोड्यूसर बैकिंग योर मूवी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेंसरशिप से आई um, थिंक हमारे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि हम ऑलरेडी एक ए सर्टिफिकेट के लिए ही सेंसर्स के पास गए थे ऑलवेज वो लुकिंग एट एन ए सर्टिफिकेट तो mm. uh, हमारे लिए वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं हुए। बिकॉज हम एक अडल्ट फिल्म बना रहे थे तो इट्स ऑल राइट।